नमस्कार कोच, पिछला सप्ताह के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं तानिया पांडे और हर सप्ताह मैं आपके लिए लेकर आती हूं भारत के न्यायालयों की खास खबरें। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी बरारीवालन को संविधान के आर्टिकल 142 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट का विचार था कि आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर द्वारा बरारीवालन की शीघ्र रिहाई की याचिका पर निर्णय लेने में अत्यधिक देरी के कारण उनकी रिहाई आवश्यक हो गई। बरारीवालन, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी, ने अपनी सजा की माफी करने के लिए 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सिफारिश के बावजूद अपनी रिहाई में देरी से दुखी होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को 26 मार्च 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली शपूरजी पलौंजी ग्रुप द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आउस्ट किए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री को बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ टाटा सन्स की अपील को अनुमति दी थी। एसपी ग्रुप कंपनीज साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। अदालत हालांकि फैसले से साइरस मिस्त्री के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए सहमत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को लोकल बॉडी चुनावों में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने 10 मई को पारित अपने पहले के आदेश को संशोधित किया, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को ओबीसी कोटा के बिना चुनावों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि लोकल बॉडी रिजर्वेशन के लिए ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। बाद में ये कहते हुए आदेश को संशोधित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया गया कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने न्यायालय की टिप्पणियों के आधार पर अपनी पिछली रिपोर्ट को संशोधित करते हुए एक दूसरी रिपोर्ट तैयार की है। ये कहते हुए कि संशोधित रिपोर्ट ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता को पूरा करती है, ओबीसी कोटा लागू करने की अनुमति मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परमानेंट लोक अदालतों के पास लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 के तहत एडजुडिकेटरी फंक्शंस हैं और इस प्रकार गुणों के आधार पर विवाद को तय करने का अधिकार है। न्यायमूर्तिगण डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि लीगल सर्विसेज एक्ट की धारा 22 सी के तहत सुलह की कार्यवाही अनिवार्य है। यदि विरोधी पक्ष उपस्थित नहीं होता है तब भी स्थायी लोक अदालत चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा कि मुख्य लक्ष्य पब्लिक यूटिलिटीज के संबंध में विवादों का समाधान और सेटलमेंट है और मेरिट्स के आधार पर निर्णय हमेशा अंतिम उपाय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट आदि पर वाइडस्प्रेड और टारगेटेड सर्वेलेंस रखने के आरोपों की जांच कर रही कोर्ट द्वारा नियुक्त टेक्निकल कमेटी को अपनी रिपोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आरवी रविंद्रन को सौंपने के लिए कहा और समय दिया। सीजेआईएनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि उन्हें कमिटी से इंटरिम रिपोर्ट मिली है, जिसने मैलवेयर वायरस के संदिग्ध 29 मोबाइल उपकरणों का परीक्षण किया है। हालांकि कमिटी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए मई 2022 के अंत तक का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को कर्नाटक राज्य के इस दलील को स्वीकार कर लिया कि बीबीएमपी ग्रेटर बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए वार्ड्स के डेमोलिशन या ओबीसी आरक्षण परसेंटेज का निर्धारण करने के लिए आवश्यक नोटिफिकेशंस 8 सप्ताह के भीतर पूरे और नोटिफाई किए जाने चाहिए। न्यायमूर्तिगण एम खानविलकर और जेबी पर्दीवाला की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के 4 दिसंबर 2020 के फैसले को स्टेट ऑफ कर्नाटका की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन को ग्रेटर बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्ट्रल रोल्स की फाइनल लिस्ट के परीक्षण की तारीख से जल्द इलेक्शन होल्ड करने का निर्देश दिया गया था। आइए अब डालते हैं एक नजर हाईकोर्ट की खबरों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में प्रतिवादियों के खिलाफ दायर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट के मुकदमे में बर्गर किंग के पक्ष में एक पक्षीय एड इंटरिम इंजंक्शन दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे इसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर रहे हैं और बर्गर किंग ट्रेडमार्क को शामिल करने वाले डोमेन नेम को रजिस्टर करने में भी संलग्न है और इनकी अनुमति और प्राधिकरण के बिना फर्जी वेबसाइट्स का संचालन किया जा रहा है। जस्टिस ज्योति सिंह ने इस प्रकार
प्रतिवादियों को विज्ञापन देने, किसी भी सामान या सेवाओं की पेशकश करने, कॉर्पोरेट नेम्स, डोमेन नेम्स या ट्रेडमार्क वाले बर्गर किंग, बीके या वादी के ट्रेडमार्क के समान भ्रामक रूप से किसी भी मार्क का उपयोग या रजिस्ट्रेशन करने से रोक दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वो बलात्कार के एक मामले में पीड़िता के खिलाफ राज्य सरकार से मिले मुआवजे को वापस करने के लिए निर्देश जारी करे, क्योंकि उसने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आवेदक द्वारा दायर की गई जमानत अर्जी पर निर्णय देते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि पीड़ित द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई है और वो देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई मुआवजे की राशि को रखने की हकदार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर हैबिचुअल ऑफेंडर होने का आरोप है या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जेल में रखना जिसकी जांच होनी बाकी है अन्यायपूर्ण है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने इंजमाम शरीफ नामक एक व्यक्ति की दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की और उन्हें जमानत दे दी। आरोपी को इंडियन पीनल कोड की धारा 397 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 18 मई को कहा कि यदि अभियोजन पक्ष डकैती के आरोप को साबित करने में विफल रहता है तो आईपीसी की धारा 412 के तहत डकैती की वस्तुओं को रखने का आरोप अपने आप विफल हो जाता है। आईपीसी की धारा 412 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करता है या रखता है जिसके मालिकाने को वो जानता है, या उसे ये विश्वास है कि उसे डकैती का सामान दिया गया है, या बेईमानी से किसी ऐसे व्यक्ति से उसने इसे प्राप्त किया है जिसे वो जानता है, या उसके पास ये मानने का कारण है कि वो डकैतों के गिरोह से संबंधित है या संबंधित रह चुका है, उसे आजीवन कारावास या कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और वो जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि एक बेटे को एक सेल डीड में सह विक्रेता के रूप में जोड़ा गया है, इस अनुमान को जन्म नहीं देगा कि जिस संपत्ति का निस्तारण किया जा रहा है वो एक पारिवारिक संपत्ति है। जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने कहा कि ये साबित करना दावा करने वाले पर है कि संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति थी या पैतृक संपत्ति से सरप्लस इनकम से खरीदी गई थी, इसे स्वयं नहीं माना जाएगा और इसे साक्ष्य के माध्यम से साबित करना होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 235 के तहत जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पर हाईकोर्ट्स को नियंत्रण प्रदान करता है, पूर्व जिला न्यायाधीश की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता है या रैंक में कमी की कोई सजा नहीं दे सकता है। ये शक्ति संविधान के आर्टिकल 311(1) के तहत नियुक्त प्राधिकारी होने के नाते गवर्नर के पास है। हालांकि आर्टिकल में नियंत्रण शब्द हाईकोर्ट को पूछताछ और अनुशासनात्मक नियंत्रण करने की शक्ति देता है और इस तरह की सजा लगाने की सिफारिश करता है। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। कोर्ट्स के जजमेंट्स के बारे में लगातार अपडेटेड रहने के लिए लाइव लॉ को सब्सक्राइब करें और कोई भी एपिसोड मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन क्लिक करें। मैं हूं तानिया पांडे और आप देख रहे हैं कोर्ट्स पिछला सप्ताह। फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from LiveLaw.